स्वागत है जे एकेडमी एक में वर्गत तो यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बना दिया है ये एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस है तो अपन देख लेते हैं दो घंटे का पेपर होगा और हंड्रेड क्वेश्चनस रहेंगे कैसे पार्ट में डिवाइड रहेगा टू पार्ट्स में डिवाइड रहेगा पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी आई जिसमें फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे इसी तरीके से पार्ट बी में जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड uh, रहेगा जिसमें फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे और दो पार्ट में डिवाइड होगा जैसा कि आप जान पा रहे हैं एंड ईच पार्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स में डिवाइड होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो चलिए अपन देख लेते हैं पार्ट ए पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी मैक्सिमम मार्क्स है फिफ्टी टॉपिक यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन रिसर्च नेचर एंड अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वॉट इज द रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिकल सर्वे केस स्टडी क्वालिटिटी एंड क्वान्टिटिव रिसर्च सेकेंड यूनिट है रिसर्च हाइफोथीसिस हाइफोथीसिस मीनिंग एंड डिफिनेशन नेचर एंड करेक्टरिस्टिक परपज ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑफ हाइफोथीसिस वेरिएबल मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इसी तरीके से थर्ड यूनिट है सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इन अ रिसर्च एंड थर्ड इज अर इन अ सैम्पलिंग रिसर्च एक बात याद रखें शॉर्ट नोट तैयार करें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें यूनिट फोर्थ है डेटा कलेक्शन टूल एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव एंड डेटा एनालिसिस इसी तरीके से यूनिट फाइव है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिक्स यूज ऑफ एस पी एस इन एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च मीन मीडियन मोड एस डी एनोबा इन काय स्क्वायर को रिलेशन मीनिंग एंड डिफिनेशन ठीक है तो ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ पार्ट बी की बात कर लेते हैं पार्ट बी में फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट uh, से रहेगा पहला यूनिट है फिलो फिलोसफिकल फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ़ फ़िलासफी कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ एजुकेशन रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलासफी स्कूल एंड एजुकेशन सॉरी थाट्स एंड ये सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से सेकेंड यूनिट में है सोशोलॉजिकल फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नेचर ऑफ सो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीनिंग एंड सोशल चेंजेस सोशल कंट्रोल एजुकेशन है ना रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन डेमोक्रेसी इसी तरीके से थर्ड यूनिट है साइकोलॉजिकल फंडामेंटल ऑफ़ एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ठीक है रिलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू लर्नर टीचर्स एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ठीक है इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नेचर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड यूज़ ऑफ आई सी टी इन एजुकेशन सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन एंड इट्स कंपोनेंट कंटेंट एनालिसिस इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड स्ट्रेटी मॉडल्स ऑफ टीचिंग ठीक है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कॉन्सेप्ट यूज इन द प्रोसेस एंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन नेचर एंड यूज ऑफ टीचिंग मॉडल्स टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स इन इंक्वायर ट्रेनिंग मॉडल्स एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंट्रैक्शन मॉडल बिहेवियल है ना बिहेवियर मॉडल